Hello my beautiful friends, welcome back to my YouTube channel SaiCraftTreeStudio. So आज हम मंडला आर्ट बनाना सीखेंगे और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है. इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ किया है, शीट ली है, एक शीट पे मैंने बनाया है और मैंने पेन से बनाया. आप इसको डूडल आर्ट भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको पेन से आप आसानी से बना सकते हैं. तो कुछ इस टाइप के मैंने दो बनाए थे जिनमें से एक का मैंने ट्यूटोरियल रेडी किया है आप लोगों के लिए और एक मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि आप ऐसे कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं. ये मैंने खुद बनाया था और ये मैंने बस ऐसे ही बनाया था. फिर मैंने सोचा कि इसका एक ट्यूटोरियल मैं बनाती हूँ जो कि आप लोगों के काम आएगा. तो ये वाला जो है जिसमें मैंने ओम के साथ इसको बनाया है, देखिए आप इसको बाद में फ्रेम भी कर सकते हैं और एक इसको वॉल हैंगिंग की तरह यूज़ भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको अभी पेपर पे ही बना के रखा हुआ है. मैं इसमें बनाती रहती हूँ तो ये मैंने बनाया हुआ है. ये आज हम इसी का ट्यूटोरियल है जो आप लोग देखेंगे और इससे आप सीख सकते हैं कि कैसे आप इतना सुंदर पैटर्न तैयार कर सकते हैं. तो मंडला जो है वो बेसिकली सारा पैटर्न्स पे डिपेंड करता है और कैसे पैटर्न्स सर्कल. तो मंडला जो बेसिकली है वो ये है कि मंडला मतलब यूनिवर्स, ठीक है. तो यूनिवर्स जो है किस तरह से वो उसका नाम मंडला पड़ा और वो मंडला इसलिए क्योंकि वो एक मतलब सेंटर से शुरू होता है इसलिए. तो सेंटर को लेकर हम कैसे मंडला आर्ट क्रिएट कर सकते हैं पेन से, तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगी. तो आप देखते रहिए, पूरा देखना ये वीडियो. इसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि कैसे आप सेंटर से शुरू करके ये पूरा आर्ट जो है फॉर्म कर सकते हैं. बहुत इजी है, बहुत आसान है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें हम बहुत ही मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ और थोड़ी पेशेंस के साथ इसको बनाना पड़ता है. तो ये चीज़ जब आ जाती है तो बच्चों के लिए ये खासकर बहुत ही अच्छा होता है आर्ट. अगर उन्हें कभी मतलब जैसे होता है बच्चों का ध्यान नहीं लगता पढ़ने में तो वो क्या करें, तो इस टाइप के जब आर्ट वो लोग करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है उनके लिए, उनको उनके माइंड को स्टेबल करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है. तो ये बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है. इसके मैं और भी अलग तरीके से भी आपको मंडला के ट्रिक्स और टिप्स मैं आगे बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियोज़ भी बनाऊंगी मंडला आर्ट पर. तो अभी हम ये पेन वाला करते हैं जो कि बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से आप घर पे पेन और पेपर से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो और पेन कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. मैंने इसमें यूनिबॉल यूज़ किया है तो आप इस पर, और मैंने एक दो और दूसरे पेन भी यूज़ किए हैं, लेकिन आप नॉर्मल यूनिबॉल की पेन से भी आप कर सकते हो. तो शुरू करते हैं और ज़रूर ज़रूर से मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. और मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे SaiCraftTreeStudio के नाम से और फेसबुक पे भी मैं हूँ. मैंने सब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी और मेरे वीडियोस में भी आपको आता रहेगा, पॉपअप होता रहता है. तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है या मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है वो ज़रूर से मेरे पेज को फॉलो लाइक करें और कुछ भी आप रिक्रिएट करें तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें इंस्टाग्राम पे. मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग कुछ मेरे से सीख कर मेरे वीडियोज़ के थ्रू कुछ सीख सकते हैं और उनसे आप कुछ नया बना रहे हैं या कुछ उस जैसा बना रहे हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर करें. तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड.